कोविड महामारी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अब जिला प्रशासन के निर्देशों के बाद मॉनिटरिंग कमेटियों को गठित करने का काम शुरू कर दिया है। इन कमेटियों के द्वारा कोविड मरीजों के घर जाकर ही पूरा ब्यौरा लिया जाएगा, तो मौके पर स्वास्थ्य जांच के साथ साथ दवाइयां भी दी जाएंगी। साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की देखभाल सही ढंग से हो, इसके लिए पूरा ख्याल रखने के निर्देश जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी CMO हमीरपुर डॉक्टर आर के अग्निहोत्री के अनुसार सरकार के निर्देश प्राप्त हुए थे कि स्वास्थ्य विभाग टीमें गठित करे जो घर घर जाकर मरीजों का ध्यान रख सके। उन्होंने बताया कि हर दिन शाम को जिला भर की रिपोर्ट CMO ऑफिस में प्राप्त की जा रही है ताकि कोविड पर पूरा नियंत्रण रखा जा सके। CMO हमीरपुर डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के घर जाकर ही चिकित्सक उनका हाल चाल पूछ रहे हैं, तो दिन में मोबाइल के माध्यम से भी हाल जाना जा रहा है। साथ ही ब्लॉक स्तर पर गठित कमेटियों के सदस्य हर दिन 10 मरीजों के घर जाएंगे और अगर किसी मरीज को दवाई की आवश्यकता है तो मौके पर ही उसे दवाई भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले 4-5 दिनों से होम आइसोलेशन के मरीजों के साथ फोन पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनका हाल चाल जान रहे हैं। अगर किसी मरीज को कोई समस्या आ रही है तो उसका मौके पर ही निवारण भी किया जा रहा है। साथ ही मरीजों की मॉनिटरिंग 2 तरीके से की जा रही है, जिससे बीमारी से बचाव के लिए त्वरित कार्रवाई हो सके। तो सरकार का भी यही निर्देश है, प्रयास है कि घर पे जो है हमारी टीम में जाएं। तो पिछले 4-5 दिनों से हमने ऑर्डर कर दिए हैं, DC मैडम ने भी ऑर्डर किए थे कि होम आइसोलेशन पे जो लोग रह रहे हैं उनकी डेली फोन कॉल हो और हर मेडिकल अफसर जब उनको कॉल करे और उनका हालचाल पूछे, अगर जिसकी कोई दवाई की जरूरत है उसको पहुंचाए वहां पे। तो ये प्रक्रिया चल पड़ी है, शुरू हो गई है। शाम को 5-6 बजे हमारी जो है रिपोर्ट आती है हर PSC से, हर डॉक्टर से, BMO के माध्यम से कि कितने उन्होंने फोन कॉल किए और किसकी क्या प्रॉब्लम है। इसी के साथ सरकार का दूसरा निर्देश है कि एक ब्लॉक लेवल पे सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई जाएं, जिसमें एक डॉक्टर होगा, एक नर्स या फार्मासिस्ट है। वो कमेटियां भी पिछले कल से बन गई हैं, तो इस तरह से हम उस पर मॉनिटरिंग 2 तरीके से कर रहे हैं, एक मेडिकल अफसर के माध्यम से टेलीफोनिकली और एक ब्लॉक मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन कमेटी। और एक ये जो ब्लॉक की सुपरविजन कमेटी होगी, ये अपने साथ किट भी रखेगी दवाइयों का। जिस आदमी को किट की या दवाई की जरूरत है उसको दवाई उसी ऑन द स्पॉट ही देगी। वो कम से कम एक कमेटी या ब्लॉक लेवल की कम से कम 10 घरों में जो है वो प्रतिदिन जाएगी।